हाय हेलो नमस्कार खुश आमदीद। लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं लोग, भास्कर रॉय। चलो भाई अच्छा है, एक म्यूजिशियन को देखने के लिए सबसे पहले म्यूजिशियन से आ रहे हैं। हाय एवरीवन, बनाली काकी कैमन आछो? भास्कर भाई कैसे हैं? आई एम गुड भास्कर, तुम्हारा क्या हाल है, कैसे हो? चाहो तो आज मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हो, खुद भी आ सकते हो मेरे लाइव में। और बाकी आप सब कैसे हैं प्लीज़ बताइए। आज का जो लाइव मैं कर रहा हूँ इसमें कोई गाना बजाना नहीं है, और अगर है भी तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों को आप सभी के सामने रखने की आशा है, उम्मीद है, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी समझेंगे इन बातों को। थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आई नो मेरे बात की क्या वैल्यू होगी, आई डोंट नो मेरे बात की क्या वैल्यू होगी, बट कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आज। कुछ लोग जुड़ जाएं तो आज किस कारण लाइव हुआ? अरे हीरो किमनी चीज भाई, पूजा दी आई एम गुड, तुम ही कैमन आछो? आज एक एक्टर ने मुझे व्हाट्सएप किया कि शायद भैया मैं बहुत ईमानदार एक्टर हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, ईमानदार एक्टर, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए बने हैं क्या? एक एक्टर, एक एक्टर तो एक्टर ही है ना, एक एक्टर जो है वो उसकी तो पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड है। एक्टर को किरदार निभाने होते हैं, एक्टर अलग अलग कहानी में अलग अलग किरदार निभाते हैं। मेरे बाल थोड़े कंट्रोल में नहीं है, बाल बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते इसीलिए बाल कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो बात है कि एक्टर की तो पूरी लाइफ ही स्क्रिप्टेड है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहना चाहता हूँ कि एक वेब सीरीज अभी आई हुई है रामयुग, मैं बहुत किसी को देख रहा हूँ कि बहुत कोई इसको ट्रॉल करने में लगे हुए हैं रामयुग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वेब सीरीज़ में प्रॉब्लम क्या है। इसको 50% लोग अपना रहे हैं और 50% लोग इसको दुत्कार भी रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस जो वेब सीरीज़ है रामयुग में, इस पूरे लॉजिक के साथ और सफाई के साथ इसमें रामायण को दिखाया गया है और आज के लॉजिक्स को बताया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हाँ हो सकता है कहीं कहीं किरदार कॉस्ट्यूम्स लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ हो, मगर एक नई क्रिएटिविटी तो हो रही है ना, एक नई सोच। कमल काकू प्रणाम जानाई कैमन आछो? राकेश कुमार सिंह जी, लक्ष्मी नारायण कर जी, आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था, तो कहीं ना कहीं एक नई क्रिएटिविटी है कॉस्ट्यूम्स को लेकर भी, और लास्ट में जो सब बातें बताई गई हैं रामयुग में वो तो बहुत प्रैक्टिकल है आज के लाइफ में, आज के लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। और किसी भी तरीके से किसी भी कैरेक्टर को
नेगेटिव नहीं दिखाया गया है। और अगर रही बात रावण की, तो ऐसा तो नहीं है कि राम युग बनाकर राम रावण के युद्ध में रावण को जितवा दिया गया। जो रामायण में लिखा गया है वही हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि किस कोई भी चीज़ अगर नए तरीके से बनती है, अगर एक नए सोच के साथ बनती है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब रामायण सच में हुआ होगा, तब वहाँ पे तो कोई मैदान होगा नहीं जहाँ पे युद्ध, कुरुक्षेत्र तो वो था नहीं, पहाड़ होंगे वहाँ पे, नदियाँ होंगी वहाँ पे श्रीलंका में, क्योंकि राम जी जाकर अटैक किए थे श्रीलंका पर, तो वहाँ पे तो पहाड़ों में या मिट्टियों में, जंगलों में युद्ध हुआ होगा। तो उस चीज़ को आज के रामायण में दिखाया गया है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। समतल भूमि में युद्ध हो रहा है, ये पुराने रामायण में दिखाया गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। मैं मतलब हमारे जनरेशन में के लोग या कोई भी उसको नेगेटिव नहीं मानते हैं या उसको लॉजिकलेस नहीं मानते हैं। तो जब न्यू क्रिएटर्स इसको बनाते हैं एक सोच के साथ, एक लॉजिक्स के साथ, तो उस पर इतना प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। बहुत मैंने देखा, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बदतमीज़ी होगी, लेकिन वैसे सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं वो इसको अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं अच्छा मानते? क्योंकि आप कर चुके हैं उस चीज़ को, इसीलिए आपके साथ कोई कंपटीशन क्यों करेगा। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आपके बच्चे लोग हैं। आपने कर दी वो चीज़, वो दोबारा नहीं हो सकती। क्यों गाने दोबारा नहीं हो रहे? अच्छे से अच्छे गानों को टट्टी बना दिया जा रहा है आजकल, पुराने गानों को उठाकर। पुराने गानों को उठाकर बर्बाद कर दिया जा रहा है, तब लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। और इसमें राम युग में कुछ प्रैक्टिकल दिखा दिया गया, तो हर कोई आवाज उठाने लगा। मैं किसी पर्टिकुलर गाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बोलने की हमारी आज़ादी तो है नहीं। हम अगर बच्चे होकर कुछ बोल दें तो बहुत से बड़ों को खराब लग जाती है बात, लेकिन बात तो बहुत प्रैक्टिकल है ना। पुराने गानों को उठा उठा कर जब बर्बाद किया जा रहा है, गाने की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। जो जब आर डी बर्मन साहब गाना कोई बना के गए होंगे, कितना सोचा होगा उस गाने के शब्दों के बारे में, उस गाने के लफ्ज़ों के बारे में, कैसे सुर जाएंगे, कैसे गाने में फीलिंग आएगी, किस तरीके से उसके बीटिंग्स होने चाहिए, बीट्स में भी फील होना चाहिए, कितना क्रिएटिव करके गए होंगे उसको, कितना खटा होगा, कितना मेहनत किया होगा उन्होंने एक एक गाने पे। सिर्फ आर डी बर्मन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर उन वैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो इन्वेंट किए एक पर्टिकुलर गाने के लिए। आज वही गाना जो है बिना किसी क्रिएटिविटी के जस्ट उसका रिदम बदल दिया जा रहा है, जस्ट रिदम। और जो गाने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को बनावटी आवाज में गाया जा रहा है, लेकिन वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो बुरा लगता है, वो बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका ना फिल्म के साथ या हो रहे सीन के साथ कोई रिलेवेंस नहीं होता है। पर्टिकुलर अगर कोई सुने उस गाने को तो दैट्स ओके, लेकिन अगर चला जाता हूँ किसी की धुन में मैं सॉन्ग लेता हूँ, अगर किशोर दा ने गाया है उसको, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, अगर ऐसे गाते हैं किशोर दा, तो वो राजेश खन्ना साहब से बिल्कुल मैच करता है, होने वाले सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता है, फिल्म में जो सिचुएशन चल रहा है उसके अनुसार बिल्कुल मैच करता है। लेकिन उसी गाने को अगर मैं ऐसे गाता हूँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते, मैंने खुद भी गाया है ऐसे, मैंने खुद भी गाया है, धड़कते दिल के तराने लिए, इस गाने के मतलब इस टेक्निक के साथ, इस पर्टिकुलर स्टाइल के साथ, ना ही राजेश खन्ना साहब मैच करते हैं,
ना ही वो जिस स्टोरी पे ये गाना लिखा गया या बनाया गया, जो क्रिएट किया गया उससे मैच करता है, ये गाना पर्टिकुलर एक अलग रूप ही ले लेता है अपना। सुनने के लिए शायद वो बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल फिल्म के साथ या इसके ओरिजिन के साथ इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं बनता है गाने का। तो इसका मतलब क्या कि हम इस गाने को क्रिटिसाइज करें या गायक को क्रिटिसाइज करें? ना, यस, नहीं होना चाहिए ऐसा। हमें हमें मैं खुद को नहीं जोड़ूंगा, बहुत से अच्छे कलाकार हैं, मुझसे बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं, वो कलाकार जो हैं उनको चांस दिया नहीं जाता, उनको चांस दिया नहीं जाता, उनके चांस को छीन लिया जाता है, उनके साथ पॉलिटिक्स किया जाता है, और मैं भी ऐसे पॉलिटिक्स में फंस चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, और आई नो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा पॉलिटिक्स। गाने जो हैं उनको नए स्टाइल में, नए सिरे से गाना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, गाऊंगा। लेकिन आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस आप तब होगा ना जब आप मुझे चांस दीजिएगा। मुझे क्या, किसी भी कलाकार को चांस देंगे, एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे तब तो आदमी एक्सपीरियंस करे। अब आप सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कलाकारों को लेकर, एक ही कलाकार जो 50 गाना गा चुका है उसके बाद भी नए नए गाने वही गा रहा है। सोमू बनर्जी, हाय ब्रदर, वी आर विथ यू, थैंक यू सो मच सोमू दा। एक ही सिंगर जो 50-60 गाने गा चुका है, वो हिट कर चुका है, उसको लाखों शोज मिल रहे हैं, वो कमा रहा है, आप डायरेक्ट उसी को चांस दिए जा रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानियों में जो 2 से 3 करोड़ सिर्फ गायक होंगे या कलाकार होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें एक छोटी सी जगह मेरी भी है, उनमें एक छोटी सी जगह मेरे जो नीचे कलाकार हैं उनकी भी है। एक बच्चे का अगर सीन रहता है किसी फिल्म में, उस बच्चे के साथ आवाज मिलाने के लिए एक बच्चा सिंगर जो इंडियन आइडल से घूम के आता है या कहीं से किसी भी शो से, रियलिटी शो से घूम के आता है, वो भी हकदार है। लेकिन नहीं, आप उन्हीं सिंगर को चांस दे रहे हैं जो सिर्फ हाईलाइटेड है और जिसको पूरी दुनिया देख रही है। और हमारी यूथ भी जो है ना, वो कमाल की है। हमारी यूथ जो है वो उसी को चाहती है, उसी को चांस देना चाहती है, उसी को प्रमोट करना चाहती है जो उन्हें अच्छा लगता है। उनके 50 दोस्त भी अगर आगे जाए ना, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ब्रदर, कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, एज वी नो एंड टुडे दिस प्लेटफॉर्म सॉन्ग प्लीज। मैं ज़रूर गाऊंगा, मैं ज़रूर आपकी बात सलाखों पर है, मैं ज़रूर गाऊंगा। लेकिन आज मैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए बैठा हूँ कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो घर बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत कला है, बहुत टैलेंट है, वो गा सकते हैं, हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अगर एक कलाकार की कमाई 50 करोड़ हो सकती है, तो समझिए कि अगर 1,00,000 कलाकार एक साथ कमाएं तो कितना आगे बढ़ सकता है ये देश। लेकिन नहीं, टांग खींचने के लिए सब कोई है, रेडी है, बहुत कोई रेडी है। मिलकर काम किसी को नहीं करना है। और सबसे बुरी बात यह लगती है कि आप काम करवा रहे हैं, कोई अगर चांस देता भी है तो वो ये कहता है कि आई एम गिविंग यू ए प्लेटफॉर्म बट आई कांट पे। आप प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आप पे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कोई कलाकार हैं जो सभी को लेकर चलने की, सभी को लेकर एक स्टार्टअप करने की उम्मीद में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, या कोई भी कलाकार फ्री में काम करने के लिए तैयार होगा। लेकिन आप एक एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, आप अगर एक एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो आपको चाहिए कि सामने वाला जो कलाकार आपसे काम मांगने आया है उसको काम भी मिले, तो काम का उसको एक
पैसा भी मिले ताकि वो अपनी पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके. यस वी आर्टिस्ट हैव द सेम बिल्स लाइक एवरीवन. वी आर्टिस्ट हैव लेबर्ड अ लॉट ऑन रियाज. देर आर मेनी प्रोफेशंस लाइक IAS, IPS, डॉक्टर्स एंड वी हैव द सेम बिल्स. इलेक्ट्रिसिटी बिल, दो वक्त का खाना, उतना जो खर्च है ना वो हमारे भी होते हैं. हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ दो गाने पे टिका हुआ नहीं है. जितना आपकी जरूरत, जितना आपको जरूरत है उतना उतनी जरूरत हमें भी है. काम हम लोग भी करते हैं. फर्क ये है कि आपका काम जो है वो दिखता है और हमारा जो काम है वो दिखता नहीं है, वो बस एक एंटरटेन तक ही रह जाता है. हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन ये कोई कलाकार नहीं बोल रहा है. मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं बस संगीत का प्रेमी हूं. संगीत करने की कोशिश मात्र करता हूं, रियाज करने की कोशिश करता हूं. इस जन्म में रियाज समझ में आने वाला चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि रियाज करूं. ये एक कलाकार का दिल बोल रहा है. हमें तकलीफ होती है. ये जो लॉकडाउन भर घर में बैठे लोग एंटरटेन कर रहे हैं ना, वो एक कलाकार की वजह से ही कर रहे हैं. मैं उस लेवल पे तो नहीं हूं, लेकिन इतना है कि फेसबुक में और व्हाट्सएप पे, या मतलब जहाँ भी, जो भी सोशल मीडिया है जहाँ से लोग काम कर सकते हैं या अपने आप को दिखा सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वो बस महज एक प्लेटफॉर्म तक ही बन के रह गया है हमारे लिए. बहुत सारे कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, जो लोग सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं. हमारे लिए ना ये सोशल प्लेटफॉर्म जस्ट एक प्लेटफॉर्म बन के रह गया है. इस बात को समझने की जरूरत है. क्रिटिसाइज ठीक है, जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्रिएशन को क्रिटिसाइज करते हैं. गलत क्या है? पॉइंट्स तो निकालिए. आप पॉइंट्स दे ही नहीं रहे, कोई वैलिड रीजन नहीं दे रहे हैं. आप जस्ट बोल दे रहे हैं कि ये गलत है. अरे भाई कुछ दीजिए तो. गलत क्या है? क्या पॉइंट उसमें गलत है? रामयुग जो वेब सीरीज है उसको बहुत कोई गलत कह रहा है, तो क्यों गलत कह रहा है भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? नो मिस्टर शोमू जी, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू फॉर मी. आई वांट अ सपोर्ट. आई वांट अ सपोर्ट फॉर एवरी आर्टिस्ट हु आर जस्ट परफॉर्मिंग ऑन सोशल मीडिया but not getting any opportunity or any type of money. सोशल मीडिया में अलग अलग पेज बनाते हैं लोग, अलग अलग पब्लिक को जोड़ते हैं लोग गाने सुनने के लिए, लेकिन जो सिंगर परफॉर्म कर रहा है उसके लिए क्या रह गया? उसको देने के लिए क्या रह गया? जस्ट चंद कमेंट्स, दैट्स इट. अरे पांच के साथ, पांच छह से ज्यादा तो उसमें व्यूज तक नहीं पहुंचते हैं लाइव के वक्त. हम तैयार हैं ना आपकी फरमाइशों के लिए? हम बिल्कुल तैयार हैं. हमने रियाज किया है. आप जो मुझे गाने के लिए कहेंगे मैं गाऊंगा, या कोई भी तबला प्लेयर हो, कोई भी जो है, जो आपको अगर जानकारी हो, आप कुछ भी डिमांड करते हैं तो सिंगर्स गाते हैं. सिंगर्स आपको, सिंगर्स या किसी भी तरह के आर्टिस्ट जो हैं आपको खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उन्हें क्या मिलता है सर? ले दे के उन्हें क्या मिलता है? मैंने खुद परफॉर्म किया है इतने, पूरे हिंदुस्तान में मैं भी परफॉर्म कर चुका हूँ, और मेरे साथ काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं. वो इसी उम्मीद में परफॉर्म कर रहे हैं. परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है. वो इसी उम्मीद में परफॉर्म कर रहे हैं फेसबुक में या इंस्टा पे लाइव आकर, कि उनको कोई देख ले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले. उनके व्यूज़ 1,500-2,000 से ज़्यादा नहीं जाते.
और तो और हमने बहुत कोशिश करी है, हमने बहुत कोशिश करी है, मैंने अपनी एक फिल्म भी बनाई है बूट पॉलिश, काफी लोगों ने पसंद किया है उसे, एक लॉजिकल फिल्म जो एजुकेशन को दिखाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को दिखाता है, बाप बेटे के रिश्ते को दिखाता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है गार्जियन का हमारी जिंदगी में, वो उसको दिखाया है। लेकिन उसको देखने वाले महज 4,500 लोग थे, जो कि बहुत हैं, मेरे लिए बहुत हैं 4,500 लोग जिन्होंने देखा है ना फिल्म को, मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने फिल्म देखी और मुझे फ़ोन कर करके बताया भी कि शायक आपका जो फिल्म था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया फिल्म बना। मगर आगे क्या, वहीं पर उसी जगह पर कोई एक ऐसी वेब सीरीज आती है जिसमें नग्नता होती है, वही कहीं पर एक फिल्म आती है जो गाली गलौज से भरा हुआ रहता है, हमारे यूथ को वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसका व्यू एक दिन में करोड़ तक पहुंच सकता है, करोड़ तक पहुंच सकता है और पहुंच चुका भी है। मैं नाम नहीं लूंगा, बदतमीजी होगी और शायद मुझे उठाकर जेल में भी डाल दे नाम लूंगा तो, इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन अश्लीलता की हद पार, नग्नता की हद पार, गाली गलौजों की हद पार करके वो मूवी रिलीज भी होती है, वैसी वेब सीरीज भी रिलीज होती है, लोग उन्हें देखते भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे कंटेंट को नहीं देख सकते। क्यों भाई? क्योंकि सही बात है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें गालियां चाहिए, उन्हें नग्नता चाहिए, उन्हें बेड सीन्स चाहिए, लेकिन एक अच्छा और शांति भरा और एजुकेशनल टाइप कंटेंट उन्हें नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए एजुकेशन पे कुछ भी, तो 12th के जो एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं उन पे क्यों भड़क रहे हो? 10th के जो एग्जाम्स कैंसिल हो गए उनके क्यों भड़क, तुम्हें तो एजुकेशन से मतलब है ही नहीं, तुम्हें तो गालियों से मतलब है। हाल की बात है, मेरा एक गाना रिलीज हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध तू ही भगवान, जो मेरे पिताजी का लिखा हुआ था, मैंने उसको कंपोज किया है और लॉर्ड जी हैं उसका म्यूजिक डायरेक्शन किए हैं। वो गाना जो है आया यूट्यूब पे, मैंने उसको शेयर भी किया है, महज 400-500 व्यू मुझे मिले हैं, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत है। 500 लोग भी मुझे सुन लें, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। बस मेरा प्रश्न ही है, थैंक यू शोमू बनर्जी सर, थैंक यू, सॉरी बीच बीच में अटक जा रहा है वीडियो। मेरा प्रश्न यही है, हाँ तो मेरा सवाल यही है कि वहीं पे कोई ऐसा गाना आता है जिसमें वर्ड्स आपत्तिजनक हों, जिसमें गालियाँ हों, उनको बहुत सराहा जा रहा है। मेरे खुद के एक मित्र ने ऐसा कहा मुझे कि शायक ऐसे सुलाने वाले गाने मत गाया करो। मेरे खुद के दोस्त ने, मैंने जिस जो मेरे साथ बचपन से पढ़ा है, लिखा है, एक ही स्कूल में, उसने मुझे कहा ऐसा कि शायक सुलाने वाले गाने मत गाया करो, ऐसा कुछ गाओ जिसमें बूम हो। वट हीज मीन बाई बूम आई कॉन्ट अंडरस्टैंड स्टिल नाउ, बट उसका कहना था कि ऐसे गाने गाओ जो कि आग लगा दी टाइप का गाना हो, या बड़ो लोकेर बिटी लो टाइप का गाना हो, या रैप टाइप का सॉन्ग हो, लेकिन जिसमें ऐसा हो जिसमें थोड़ी गाली गलौज रहे, ऐसे गाने हो जिसमें ढाए ढाए सिर्फ ड्रम बजे, और गाना जो जिसके लिए रियाज करते हैं, जिसके लिए सुर लगाते हैं, उसका कोई महत्व ही ना हो, ऐसे गाने गाओ। गाना बचा ही कहाँ, गाने में सिर्फ रिदम को रखें, वर्ड्स को रखें, सुर से कोई लेना देना नहीं है और इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्रिएशंस की कोई जगह नहीं है, उसमें फिर गाना रहा ही कहाँ।
अभी भी ओनली 4 लोग देख रहे हैं, बट आपके फ्रेंड्स FB पे 400 प्लस होगा। नहीं, सर आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे FB पे फ्रेंड्स लगभग 4,000 हैं। मेरे FB फ्रेंड्स लगभग 4,000 हैं, लेकिन फिर भी 2 ही 3 लोग देख रहे हैं। सॉरी, ये या तो मेरी बदकिस्मती है या मैं कलाकार हूं, यही मेरा दोष है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं कलाकार हूं, यही मेरा सबसे बड़ा दोष है। और मेरा ये एक सवाल उन ऑर्गेनाइजर्स से है जो ऑनलाइन कार्यक्रम रखवाते हैं फेसबुक पे या कहीं पे भी, आज यहां से लाइव आ जाइए सर, आज वहां से लाइव आ जाइए सर, आपको इतने लोग देखेंगे, आपके उतने लोग देखेंगे। देखने के बाद क्या होगा सर? और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन करोड़ों कलाकारों की बात कर रहा हूं जो आते हैं लाइव आपके कहने पे, आपको एंटरटेन करने के लिए हम जैसे कलाकार हमेशा हमेशा आगे हैं। भर लॉकडाउन डॉक्टर्स ने बहुत साथ दिया है, पुलिस ने बहुत साथ दिया, मैं शत शत नमन करता हूं उनको, लेकिन एक और प्रजाति है जो घर बैठे हर एक इंसान को एंटरटेन किया है, वो है कलाकार प्रजाति। हमारा भले खाना पीना बंद हो गया हो, भले कलाकार कर्जों में डूब चुका हो, लेकिन कलाकार कभी भी आपको निराश नहीं होने दिया है। और कलाकार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं सवा सौ करोड़ जो देश है उसके कुछ करोड़ कलाकारों की बात कर रहा हूं जो हर लॉकडाउन आपको एंटरटेन करते रहे हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है? डॉक्टर्स को पे मिलता है, सरकारी नौकरों को हमेशा पे मिलता है, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, उनको क्या मिलता है? हमारे लिए ताली सब कुछ है, आई नो, हमारे लिए ताली सब कुछ है, कलाकारों के लिए ताली सब कुछ है, लेकिन तालियों से हमारा पेट कैसे भर सकता है सर? ताली तो हम अपने लिए भी बजा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं बजाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कलाकार भी कितना झेलता है। कलाकार की भी अपनी फैमिली होती है, कलाकार के भी सेम बिजली बिल और सेम टीवी बिल, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स बिल, सेम फोन बिल, सब कुछ उतना ही आता है आर्टिस्ट को, वो कहाँ से भरेंगे? आप लाइव करवाते हैं फेसबुक पर या किसी भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उस आर्टिस्ट को कुछ पैसे भी तो दो। कोई एक्स्ट्रा बात मैं नहीं करूंगा इसके लिए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स भी यूज नहीं करूंगा, सीधी बात है, अगर मैं स्टेज पे जाके एंटरटेन कर रहा हूं किसी को, तो उसके बदले में स्टेज के ऑर्गेनाइजर्स मुझे पैसे दे रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन मुझे हायर कर रहे हैं कि आप आज गाना गाइए, 1 घंटे का स्लॉट आपका है, तो उस 1 घंटे के लिए भाई मुझे कुछ तो पे करो, मैंने तो अपना इंटरनेट लगाया, मैंने तो अपना बरसों का रियाज तुम्हारे लिए लगाया यार, तुम सभी को एंटरटेन कर रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर कलाकार से बात कर रहा हूं, हर कलाकार को लेकर बात कर रहा हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर कोई। हम लोग कलाकार लोग हमेशा तैयार हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, इवन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी। मैं थ्रोट इन्फेक्शन लेके लास्ट लाइव किया हूं अपना, थ्रोट इन्फेक्शन लेके खांसते खांसते मेरी हालत खराब थी, इवन गले से खून आ रहा था उस वक्त। अगर मैं ऑनलाइन ये बात बताता हूं, ऑनलाइन मैं इस चीज को रिवील भी कर रहा हूं, अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी देने के लिए तैयार हूं ऑनलाइन सभी के बीच। आई नो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इतने बड़े देश में, इतने बड़े दुनिया में, इतने लोगों में मैं कीड़े के समान भी नहीं हूं, लेकिन उस अगर कीड़े के समान हूं तो मेरी भी एग्जिस्टेंस है। मैंने अपना लास्ट लाइव इसी तरीके से दिया है, कौन से पेज पे दिया मुझे याद नहीं, लेकिन अगर कभी
कहो, आप लोग अगर कहें तो मैं उसको शेयर करूंगा, और आप लोग उस लाइव में देखना कि मैं कितनी बार खांसा हूं लेकिन गाने को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। एज वंस लेट ग्रेट किशोर कुमार सेड, द शो मस्ट गो ऑन। आप कितने भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, कलाकार का सबसे पहला धर्म यही होता है कि आपका शो नहीं रुकना चाहिए, लोग आपको सुनते हैं, लोग कलाकार को सुनते हैं। और हमारा जो काम है ना, हम अपने लिए नहीं जी सकते, कलाकार कभी अपने लिए नहीं जी सकता है, कलाकार दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को चेहरे पे हंसी लाने के लिए कलाकार जीता है, कलाकार जीवित रहता है। कलाकार का कर्तव्य और धर्म, धर्म और कर्म दोनों ही यही है कि वो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाए, भले उसके चेहरे की हंसी छीन जाए, छूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप सभी को बहुत बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, इसलिए मैं अपने ऑडियंस को हमेशा थैंक्स करता हूँ कि वो मेरी बातें सुनते हैं। मेरे ऑडियंस जो हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी दुखी इसी बात से होता हूँ कि मेरे ऑडियंस में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कलाकार को जस्ट एक सेंट की तरह यूज़ करते हैं, परफ्यूम की तरह यूज़ करते हैं। जब तक खुशबू रही, बॉटल एक बार ख़त्म हो गया उसको उठा के फेंक दो। आई नो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ आज ये बात करने के लिए। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, हर एक आर्टिस्ट के लिए ये बात बोल रहा हूँ, उनके सपोर्ट में ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कलाकारों का दिल जो होता है ना, वो बहुत ही मासूम होता है, वो लोगों के सामने नहीं आ सकते, लोगों के सामने ये सब बात नहीं कर सकते। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो गोल गोल घुमा के बात नहीं कर सकता, जो है मुँह के सामने है, जो है स्पष्ट है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। जी हाँ, बूट पॉलिश जो मेरी मूवी है उसको बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। हमारे साथ निशु राज जो इस कहानी के लेखक हैं, वो उन्होंने दिन रात एक कर दिया। रवि मिश्रा सर, उन्होंने रात दिन एक कर दिया। प्रियांशु मंदिलवार, रितेश राजवीर, संजना राज, हम सभी ने बहुत मेहनत किया है, और तब जाके मैं बॉलीवुड के लेवल पे तो मूवी नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जितना बनाया हूँ उसमें मुझे इतना भरोसा था कि ये एक अच्छा कंटेंट है, और लोगों ने देखा भी, बहुत सराहा भी, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने देखा और मुझ पर मुझे रिव्यू दिया। आज ऐसा हाल हो गया है हमारा कलाकारों का, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो इस दौर से गुजर रहे हैं। बड़े से बड़े कलाकार आते हैं लाइव फेसबुक पर, अपना कीमती वक्त देते हैं, अपना रियाज देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, अपने पॉकेट से नेट का बिल देते हैं, लाइट का बिल देते हैं, अपना फोन का चार्ज देते हैं, रिचार्ज देते हैं, बदले में उनको कुछ व्यूज और कुछ तालियां और कुछ कमेंट्स भले मिल जाए, लेकिन उनके पॉकेट में एक पैसा तक नहीं आता। ऐसे बहुत से बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं अपने आप को कलाकार में ही नहीं मानता हूं, मैं जस्ट स्टार्टिंग स्टेप है मेरा, और स्टार्टिंग स्टेप में ही इतना कुछ देख लिया ना, तो आप सभी के सामने ये बात बोलने से मैं रुक नहीं सका। आई नो योर कैपेबिलिटीज इन म्यूजिक डियर, चिल, कर्म करो, फल डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू, कर्म कर ही रहा हूँ। शमंतोदा श्यामल बनर्जी, क्या बात है, शायक सुपर श्यामल जेटू, थैंक यू। मैं कर्म ही कर रहा हूँ भैया, और जो कर्म है ना, मैं अकेले खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे कलाकारों के लिए कर रहा हूँ, कलाकार प्रजाति के लिए कर रहा हूँ, सबकी ओर से बोल रहा हूं। इस देश में हर किसी के लिए पेमेंट है,
लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए नहीं है। आप भाई एंटरटेन कर दो ना, आप एंटरटेन कर दो, इस पेज में आप लाइव आ जाओ, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। भाई ऐसा है कि जब मैं लाइव देता हूं ना, तब मैं अपने चेयर पे बैठ के लाइव देता हूं, अपने बेड से चेयर तक पहुंचता हूं, और लाइव खत्म हो जाने के बाद मैं अपने चेयर से बेड तक वापस जाता हूं, मैं यहीं से यहीं पहुंचता हूं। आज डूब चुका है हर कलाकार जिन्होंने बरसों आपको एंटरटेन किया, वो कलाकार जिन्होंने आपको सिखाया, म्यूजिक सिखाया या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट सिखाया, आज वो सारे कलाकार घर बैठे डूबे हुए हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं कि भाई लाइव आ जाइए, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं। भाई 5 साल से देख रहा हूं, 5 साल कम नहीं होता है। और मेरे बातों को कोई गलत स्टेटमेंट में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन तमाम कलाकार के लिए बोल रहा हूं जो आपके सामने रहते हैं, आपको हमेशा एंटरटेन करते हैं, आपके खुशियों में खुद शरीक होते हैं, और आपके चहेते लोगों के लिए खुद खुशियां बटोरते हैं, भले उसके दिल में कितना ही दुख क्यों ना हो, वो आपको ऑलवेज एंटरटेन करते हैं, ऑलवेज। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है, आज वक्त, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं है, ये पहले भी था। कलाकार को जस्ट एक पेन की तरह यूज किया जाता है, जब तक रिफिल चल रहा है बहुत अच्छा है, रिफिल खत्म उठा के फेंक दो। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन सही बात कर रहा हूं, अगर है किसी में हिम्मत तो मेरी ये बात काट के दिखाए। आप कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजर खर्च उन लोगों पे करता है जो ऑलरेडी शिखर पे पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को कोई देखता ही नहीं है जो लटके हुए हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो लटके हुए हैं, वो पहाड़ से लटके हुए हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, किस वक्त वो गिर के मर जाए उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस है, देखिए ना भाई, बिजनेस को जरूर देखिए, मैं मना नहीं करता। आर्टिस्ट को आप लोग बेचना जानते हैं, आप बेचिए ना, आर्टिस्ट खुद को बेचने के लिए भी तैयार है, थोड़ा रहम तो हम लोग पर भी खाइए। जो जिनका अभी उम्र है बाप के रोल्स में आने का, जिनकी उम्र हो गई है बाप के रोल में आने का, वो जबरदस्ती फंसे हुए हैं फिल्म में हीरो बनने के लिए। 55 साल के लोग 24-25 साल की लड़कियों के साथ स्क्रीन पर रोमांस कर रहे हैं, और जो लोग 30 से 50 के बीच में हैं, जिन लोगों में काबिलियत है, वो घर बैठे हुए। राजपाल यादव सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ये लाखों ट्रेंड लोगों को घर बैठा देते हैं, और उन लोगों को आगे लेके आते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं करते, इवन ट्रेनिंग लेते ही नहीं। वो लोग आगे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता वो शिखर पे है, और जो बरसों रियाज करते नहीं थक रहा है वो घर में लेटा हुआ है, अपने आप को वो कर्ज में देख रहा है, अपने फैमिली को मजबूरी में देख रहा है, उसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, और वो आज का कलाकार है जिन्होंने हर वक्त मुसीबत में हो, अच्छाई में, अच्छे वक्त में हो, हर वक्त आम जनता के लिए अपना टाइम दिया, खुद मुसीबत में होते हुए भी आप सभी को वक्त दिया, उन्हें आप क्या देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे काम कर लीजिए, आपको पूरा दुनिया जानेगा, जान रहा है दुनिया। दुनिया को आज नग्नता चाहिए, दुनिया को गाली गलौज से भरे गाने चाहिए, दुनिया को
सिर्फ बेड सीन्स चाहिए और वही उनके लिए फिल्म है। लॉजिकलेस, जिसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वही उनके लिए फिल्म है, हिट है, सुपर हिट है, आउटस्टैंडिंग है, बॉक्स ऑफिस फाड़ू फिल्म है। और वहीं पे कोई रियलिटी पे फिल्म बनाए, वहीं पे कोई कुछ अच्छा बनाए, तो उसको डुबा देना है या दबा देना है, उसको देखना ही नहीं है। यार क्या है यार, कुछ फिल्म में कुछ है ही नहीं है। हम बिहारी है भाई, हम बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं, सीधा बात सुन लो। अरे क्या है यार, इसके फिल्म में कुछ है ही नहीं है, हीरोइन है ही नहीं है यार, आइटम सॉन्ग है ही नहीं है यार, गाली गलौज है ही नहीं है, मारपीट है ही नहीं है, सब फिल्म होता है हो, यही सुनने को मिलता है हमें। और ये रियलिटी है, बहुत सैड रियलिटी है, लेकिन रियलिटी है। कलाकार ऐसे ही जी रहा है, सिंगर्स अपना वॉयस देते देते थक जा रहे हैं, लेकिन एक पैसे की आमदनी नहीं है किसी सिंगर को आज, मैं बता रहा हूं। और लाइटली ने मत लीजिए आप लोग इस बात को। आज हर घर में लोग अपने बच्चों को सिंगर बनाने से या आर्टिस्ट बनाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो भूखा मरेगा, ये समझ के डरते हैं। अरे नहीं होना है भाई, मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे नहीं, किसी कलाकार को फेमस नहीं होना है, लेकिन इतना तो करो कम से कम कि दो वक्त की रोटी उसके घर में आए। लाखों सितार वादक घर बैठे हुए हैं, लाखों गिटार वादक घर बैठे हुए हैं, घर से बैठ के लाइव दे रहे हैं वो, उस लाइव का कुछ तो उनको रिटर्न आए। रिटर्न के नाम पे क्या दे रहे हो उनको? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बस खत्म बात वहीं पे। अरे हॉल में तक लोग जाना बंद कर दिए हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हॉल में आते हैं अपना शो दिखाने के लिए, लोग टिकट तक खरीदना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? क्योंकि उन, क्योंकि वो गाने हैं ना भाई, उन गानों में सीख है, पुराने गानों में सीख होती है, पुराने गाने जिंदगी के साथ मैच करते हैं। आप अगर फिल्म ना भी देखो, आप फिल्म ना भी देखो तो पुराने गाने आपकी जिंदगी से मिलते जुलते हैं, और ये बात आपको एडमिट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो वो, जो इंसान नहीं करता होगा एडमिट, वो बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं कर रहा हूं सोशल मीडिया पे ये बात। पुराने गानों को आप लोग इस तरीके से लेते हैं, आज 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 का जनरेशन इस तरीके से पुराने गानों को लेता है, यार सुलाने वाला गाना है यार, बोरिंग लग रहा है गाना ये सब, क्या है इसमें, कुछ मजा ही नहीं है। हाँ भाई, मजा तो तब आता जब सामने चार पांच आइटम गर्ल्स आइटम सॉन्ग में डांस करती, तब मजा आता, तब वो गाना है, उस गाना में 10 गालियां होती। एक रफी साहब का गाना था, डा 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 डा, सहारा है दोस्तों ये जिंदगी, क्या तुम लोगों का मारा है दोस्तों, ऐसा कोई गाना है, मैं नहीं सुना हूं, लेकिन ये दो लाइन मैं सुना हूं। उस गाने को आज बनाया गया था, मैं सॉरी सोशल मीडिया पे बता रहा हूं, चूंकि ये गाना है, बना हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा, व्यूज बढ़ाइएगा इस गाने का। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों ये जिंदगी, तुम लोगों का मारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, एक गाने के अंदर गाली को यूज करके हिट किया जा रहा है। हमारी ऑडियंस जो है वो देख रही है, लेकिन उसके विरोध में कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वहीं पे जब कोई डायरेक्टर रामायण को एक नए सिरे से बनाता है, लॉजिक्स के साथ बनाता है, तो हर एक कलाकार उठ गया, हर एक पुराना कलाकार उठ गया उसको रोकने के लिए। रामायण में कौन सी गाली यूज किया है कोई? रामायण, इस बार के रामायण में ना जो दिखाया गया सब कुछ सच दिखाया गया है, एकदम 100% करेक्ट दिखाया गया है। गाने को हम लोग सरस्वती मानते हैं, देवी मानते हैं हम लोग, गाने को, संगीत को, कलाकारी को हम लोग देवी मानते हैं, पूजा करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग लिरिक्स के अंदर में गालियां डाल रहे हैं,
और ऑडियंस भी कमाल की उसको सुन रही है, उसको शेयर कर रही है, व्यू बढ़ा रही है उस गाने का। अच्छे कंटेंट को यूट्यूब पे डालो तो गूगल एड्स के थ्रू पैसे देके उसको प्रमोट करना पड़ता है ताकि वो ऑडियंस तक जाए। और जिस गाने में गालियां आ गई, नग्नता आ गई, वो ऐसे चुटकी बजाते ऑटोमेटिकली हिट करता है। ये दोष उन लोगों, सॉरी टू से, मैं ऑडियंस से, अब ये बात मैं ऑडियंस टू ऑडियंस से कर रहा हूं, सीधी बात मेरी ऑडियंस से हो रही है कि सॉरी टू से, वो गालियां यूज कर सकते हैं गानों में और डाल सकते हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने वाले आप हैं। ये भी बताओ कि ये बातें किनके लिए हैं और किन तक पहुंचाना है। ये बातें ऑडियंस के लिए है और कलाकारों के लिए भी है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, ये सभी के लिए बातें हैं। ये हर वो इंसान जो ऑफिस से आके शाम में बैठ के दो गाने सुनता है, हर वो इंसान जो वापस आता है अपने काम से और शाम को फैमिली के साथ बैठ के एक फिल्म देखता है, ये उन सभी के लिए है। आज बनी 100 में से 90% फिल्म ऐसी है जो एक फैमिली मैन अपने साथ बैठ के, अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता है। फिल्म ये बन रही है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्टर स्टार्स हैं उस फिल्म में, बहुत सराहा गया उस, सॉरी एक्चुअली फिल्म नहीं, वो वेब सीरीज है, लेकिन आप खुद जज करके बताइए, जिस फिल्म में गाली गलौज हो, नग्नता हो, जो कि आज मैक्सिमम फिल्म्स में हो रही है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो फिल्म देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते हैं। आप अकेले में बैठ के उसको देखेंगे, आप अकेले में बैठ के उसको देख सकते हैं, इसीलिए आप उस चीज को बार बार देखते हैं, उनका व्यूज बढ़ाते हैं, और एक जो अच्छा कंटेंट आता है यूट्यूब पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छा कंटेंट, उसको ना ही कोई शेयर करता है ना ही कोई प्रमोट करता है। अरे भाई, इसमें है ही क्या? सही बात है, इसमें क्या है? इसमें शिक्षा है, इसमें ज्ञान है, इसमें अच्छाइयां हैं, संगीत के प्रति लगाव है, पूजा है, आराधना है संगीत की, हम लोग देवी मानते हैं संगीत को। लेकिन नहीं, कोई अच्छा कंटेंट में क्या है भाई? इसमें नग्नता है ये नहीं है भाई, इसमें अश्लील बातें हैं ये नहीं है, इस गाने में गालियां हैं ही नहीं, तो वो गाना है भाई? थोड़ी गाना होता है वो। अरे रोड पे आ गया है कलाकार आप लोग को एंटरटेन करते करते, चांस दीजिए भाई। चांस किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी शिखर पे है उसको बार 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 करने से आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, लेकिन जिस देश में आप पैसा कमा रहे हैं उस देश में हजारों ऐसे कलाकार हैं जो जमीन पे पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? उन्हें लाइव बुला रहे हैं बार बार फेसबुक पे, अरे 500 रुपए तो दे दो कम से कम उन्हें, कि उन्हें लगा लगे कि हाँ, जो मैंने मेहनत किया उससे मैंने दो वक्त की रोटी भी कमाई, जो वक्त मैंने अपने रियाज में दिया, जो वक्त मैंने अपने ऑडियंस को दिया, जिसके जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया उससे मैं दो वक्त का खा भी रहा हूं, ये फील तो हो कम से कम आर्टिस्ट को। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, बहुत छोटा हूं इस बात के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत प्यार करती है और समझती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतनी सारी बात मेरी नहीं है, पर्सनल मेरी नहीं है, मैं उन तमाम आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है अपने काम को लेकर, जो जेन्युइन है। मुझे नहीं पता ऑडियंस के लिए म्यूजिक क्या है, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है कि क्या है, लेकिन संगीत में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगीत को हम लोग देवी मानते हैं, पूजा करते हैं, सरस्वती का हम लोग
सरस्वती को मानते हैं हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं सरस्वती पूजा में। सरस्वती पूजा से याद आया, बिहार में सरस्वती पूजा में इतने अश्लील गाने बजते हैं कि मत पूछिए। रोड में निकलने में डर लगता है हम जैसे आर्टिस्ट्स को, छोटे मोटे हम जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट्स को, कि ये हो क्या रहा है। मुझे जस्ट याद नहीं है बोल उस गाने के, लेकिन बहुत बहुत गंदे बोल थे और उसको सरस्वती पूजा में मूर्ति लगाए सब कोई बजा रहा है, वहां पर खून खौल रहा था हम जैसे आर्टिस्ट का, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। वो डीजे में बज रहा है, पूरा मोहल्ला पूरा एरिया उस गाने को सुन रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा ऑडियंस नहीं है जो जाके उसको रुकवा सके। और हम जैसे आर्टिस्ट अगर जाके रुकवाएंगे तो हमें मार पड़ जाएगा। क्या कर सकता है यार, आम कलाकार क्या कर सकता है। और लगे हाथ मैं ये बात भी कर रहा हूं अबाउट म्यूजिक टीचर्स, अबाउट म्यूजिक टीचर्स, जो म्यूजिक, मैं सिर्फ कलाकार की बात कर रहा हूं, सिर्फ कलाकार की, इसीलिए मैं म्यूजिक टीचर को बीच में ला रहा हूं। म्यूजिक टीचर्स जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को बहुत बड़े आर्टिस्ट का दर्जा तक पहुंचाता है, वो खुद आज रोड पे है लॉकडाउन पे। वो स्टूडेंट्स कहां मर गए, वो स्टूडेंट्स कहां हैं जो सीखने के वक्त डायरी लेके आते थे, पेन लेके आते थे, गुरु का ज्ञान ले लेते थे। गुरु का ज्ञान बहुत बड़ी संपत्ति होती है और हर गुरु अपने स्टूडेंट को आगे देखना चाहता है, खुद से आगे देखना चाहता है। और स्टूडेंट जब आगे हो जाता है तो वो गुरु का फोन तक नहीं उठाता। कहां है भाई आप सब स्टूडेंट्स, पहुंच गए शिखर पे तो सारे के सारे म्यूजिक टीचर्स को भूल गए। यहां पर मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं भी खुद म्यूजिक टीचर हूं, मेरे पिता भी म्यूजिक टीचर हैं, लेकिन मैं अपनी अहम दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें हमेशा याद करते हैं, लेकिन और भी म्यूजिक टीचर्स हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। मैं बहुत किसी की बात, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। वो स्टूडेंट्स कहां गए, कहां मर गए वो स्टूडेंट्स। आर्टिस्टों को ना मजाक बना के रख दिया गया है। एक सच्चा आर्टिस्ट, एक सच्चा म्यूजिक का भक्त आज गाली गलौजों की वजह से पीछे है। बहुत शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है कि नग्नता और गाली गलौज और नेगेटिव वाइब्स इन द फिल्म्स एंड रिस्पेक्टिव म्यूजिक वीडियोस, जो नग्नता ये और अश्लील चीजें इन म्यूजिक वीडियोस और फिल्म्स में इंक्लूडेड है, उनकी वजह से आर्टिस्ट जो है वो हार गया है। और उसके हारने की वजह वो फिल्म्स नहीं है या फिल्म मेकर्स नहीं है, ना ही वो म्यूजिक वाले हैं, वो ऑडियंस है। वो वजह जो है वो ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस उसी को प्रमोट कर रही है जो गलत है और उसको पीछे रख दे रही है जो सही है। एक गाने को प्रमोट कर, एक अच्छे गाने को या एक अच्छे फिल्म को प्रमोट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एक टाइम था जब आर्टिस्ट को पैसा मिलता था अच्छे चीज दिखाने के लिए, अच्छे कंटेंट्स दिखाने के लिए। सॉरी, आज ऐसा वक्त आ गया है अच्छे चीज को लोगों के सामने रखने के लिए गूगल एड्स के थ्रू प्रमोशन करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है कि भाई इस ये अच्छा आर्टिस्ट है, इसका गाना आया है देख लो, भीख मांगना पड़ता है कि भाई इसके फिल्म को प्रमोट कर दो, अच्छा फिल्म है। जो संगीत की आराधना करते हैं उन्हें हाथ जोड़ के पैर पड़ के भीख मांगना पड़ता है कि भाई जो मैंने काम किया है उसमें मुझे दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए मेरा, उसके लिए मुझे पैसे दे दो।
और हर कलाकार का वो हालत है, हर कलाकार का, हर सिंगल कलाकार का जो लाइमलाइट में नहीं है। अब क्या गाने सुन रहे हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये गाना है, मैं बता रहा हूं, गा के सुना रहा हूं, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये गाना है। और लोग बहुत जबरदस्त सुन रहे हैं इस गाने को, बहुत एंटरटेन कर रहे हैं इस गाने को, ऐसे गाने को, ये तो हो गया पुराना हो गया, मजा आ रहा है ना वो को ऐसे गाने में। लेकिन वहीं पे अगर कोई सिंगर ये गाता है कि कोई भी गाना ऐसा ले लूं जो बहुत लाइफ से रिलेट करता हो, चिंगारी कोई भड़के तो सावन से मुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, सॉरी मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। लेकिन ये गाना अगर कोई सिंगर गा दे अभी, तो ये गाना पे क्या कमेंट मिलता है, भाई सुलाने वाला गाना मत गाओ। इवन मैं एक फास्ट ट्रैक भी अगर उठाकर गाता हूं, अगर मैं एक फास्ट ट्रैक भी उठाकर गाता हूं, जैसे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले ओ, ओल्ड फैशन हो गया यार, ये सब क्या गा रहे हो, ये सबसे बस नींद आती है यार, ये सबसे कुछ कुछ ऐसा गाओ जिसे मजा आ जाए। क्या गाऊं भाई, नहीं ऐसा ऐसा कुछ गाओ जैसे बड़ो लो केर बिटी लो लंबा लंबा चूल, सांवला सा रंग तेरा, बांवला सा ढंग तेरा, ये गाओ, ये मजा आता है सुन के। सैड है लेकिन ये प्रैक्टिकल है और ट्रूथ भी है। और मैं जो इतनी बकवास कर रहा हूं ना, मुझे 100% मैं श्योर हूं कि इस वीडियो को मेरा कोई शेयर तक नहीं करेगा। जो 10-12 लोग देख रहे हैं ना मुझे, बस वही इसको सुनेंगे, कमेंट्स करेंगे, भाई सही बात है। और जो कर रहे हैं कमेंट्स, हो सकता है वो शेयर करें, और वो भी शायद नहीं करेंगे, वो भी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। और ज्यादातर लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बातों में सच्चाई है, और इतने देर का वीडियो देखता भी कौन है, घंटा भर होने वाला है, इतने देर का वीडियो कौन देखता है भाई, क्योंकि और वीडियो में सच्ची बातें कही गई हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स से, रहम करें आर्टिस्टों पर। अगर फेसबुक पर बुलाते हैं, हर कोई यही चाहता है, हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि वो 10 लोगों के सामने आए, हो सकता है कि वो लोग आएंगे, उन्हें तालियां भी पड़ेंगी, उन्हें लोग अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन उससे दो वक्त की रोटी वो नहीं खा पाएंगे। अगर आप सच में ऑर्गेनाइजर हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि उन्हें लोग जाने, तो आप दीजिए चांस, साथ में उन्हें कुछ रेमुनेशन भी दीजिए, ताकि वो दो वक्त की रोटी खा सके। और मुझे कोई शर्म नहीं बात नहीं है ये बात बोलने में, क्योंकि कि हर आर्टिस्ट आज भूखा है, लॉकडाउन है, हाथ फैलाने में कोई शर्म नहीं है किसी को। मैंने अपना लास्ट लाइव खांसते हुए थ्रोट इन्फेक्शन लेकर दिया है, गले से खून निकला है मेरा, मैंने अपना खून बहाया है, सभी को मैं बता दूं ये बात, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने अपना खून बहाया है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैं पेज का नाम नहीं लूंगा, बदतमीजी होगी, बट मैंने शेयर किया, मेरे पेज पे शेयर किया है, मेरे प्रोफाइल पे शेयर किया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, और देख सकते हैं मेरे गाने और मेरे खांसने का जो डिफरेंस है। एक गाने में जो इंटरल्यूड होता है ना, जो म्यूजिक होता है बीच पोर्शन में, उस पोर्शन में मैंने खांसा है, लेकिन गाने को मैंने इफेक्ट नहीं होने दिया, चूंकि आप लोग एंटरटेन हो। मुझ जैसे जितने भी तमाम आर्टिस्ट हैं, वो लोग अपना खून पसीना बहाकर, खून देकर आप लोगों को एंटरटेन करते हैं।
तो थोड़ा थोड़ी सी उम्मीद आपसे भी रहती है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, थोड़ी सी उम्मीद आप लोगों से भी रहती है कि आप लोग कुछ कुछ ना कर सके तो एज ऑडियंस उसको आप लोग कम से कम शेयर करें, इतना शेयर करें कि वो एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सके जिसे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फिर वीडियो में ये बात मेंशन कर दूं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने साथ अपने हजारों लाखों करोड़ों कलाकार भाई बहनों अंकलों और सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। मैं ये सिर्फ बात अपने लिए नहीं बोल रहा, बस विनती है आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर थोड़ा कीजिएगा। मुझे पता है कि शायद नहीं भी करेंगे, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मेरे बात की कोई वैल्यू होगी, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करिए अगर मेरी बात सही लगे तो, वरना आप खुद समझदार हैं, आप ऑडियंस हैं, आप ही हमें उठाते हैं, आप ही हमें गिराते हैं। और बुरा मत मानिएगा, आज अगर संगीत के लाइन में, अगर कलाकारी के लाइन में गंदगी है तो वो भी ऑडियंस की वजह से है, और अगर अच्छाई टॉप पे है तो वो भी ऑडियंस की वजह से है। ये बात ऑडियंस को समझने जरूरी है, इसीलिए प्लीज ऑडियंस से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके मेरी ये बातें सुने। मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा इस लाइव के बाद, इसको शेयर करें, और अगर सही लगे ये बात तो जरूर कमेंट करें और मुझ तक पहुंचे। मैं सभी कलाकार के फेवर से बोल रहा हूं, और ये भी बात मैं क्लियर करूं कि ये भी बात मैं क्लियर करूं कि मेरी एक टीम है, उस टीम में एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, और मैं उन लोगों को लेकर छोटी छोटी फिल्म्स ही बना रहा हूं, और फिल्म्स भी बनाने के लिए आगे बढ़ा हूं, और जिसमें मुझे 2 लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा। मैं जरूर उन लोगों का नाम आप लोगों के सामने लेना चाहूंगा। 2 लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है। पहले व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, इस काबिल बनाया है, वो है मेरे गुरु जी पंडित मणि प्रसाद जी। उनके बिना या उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शायक भी नहीं हूं। और एक इंसान जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है और बहुत कर रहा है मेरे फिल्म्स को लेकर, आने वाली फिल्म्स को लेकर, वो है अनुराग कृष्ण लॉर्ड। मेरे बड़े भाई जैसे नहीं, मेरे बड़े भाई ही हैं, और आप सभी का भी मुझे सपोर्ट मिले तो मैं यही बिहार में अच्छे अच्छे फिल्म्स बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। और आशीर्वाद की जहां तक बात करूं, मेरे सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ रहे हैं, मुझ पर भरोसा किया है। ऑडियंस के रूप में मैं गार्जियन से भी ये बात करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर प्लीज भरोसा करिए, उन्हें आजादी दीजिए अपने जिंदगी को जीने की। अरे कोरोना आ गया है, कौन कब मर जाए, अभी सिर्फ बुढ़े नहीं मर रहे हैं, बुतरू भी मर रहे हैं, सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज, बुजुर्ग भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, किसी के मरने का कोई टाइम नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि मैं बुजुर्ग हूं तो मैं पहले जाऊंगा या मैं बच्चा हूं तो मैं बाद में जाऊंगा, नहीं, अभी सबके लिए समय सेम आ गया है। थोड़ी जितनी लाइफ बची है ना, हंस मुस्कुरा कर अपने बच्चों को जीने दीजिए। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा मेरे हर एक डिसीजन में, चाहे वो संगीत से हो, चाहे वो एक्टिंग से हो, चाहे कला के किसी भी फील्ड में हो, मेरे माँ बाप का सपोर्ट हमेशा मुझे रहा है। आप भी अपने बच्चों का सपोर्ट करिए इस लाइन में, ताकि वो आगे बढ़ सके। आप 5 उंगली को खींचते रहिएगा तो उंगली खुल के बाहर आ जाएगा, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा। अगर एक पल के लिए हो भी जाए, एक पल के लिए अगर हो भी जाए, तो आपकी बच्चे की जिंदगी नर्क हो जाएगी, नर्क, जीते जी मर जाएगा वो, और मैंने ऐसा होते हुए देखा है।
थैंक यू, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगर आप लोग को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब तक पहुँचाइए, ताकि ऑडियंस थोड़ी जागरूक हो जाए हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों के लिए। ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। थैंक यू।